रोज़े मुस्तफा पर झुकाऊंगा मैं। बैठे हुए सुभान अल्लाह में बैठे इन सब के हवाले से मतलब पड़ता हो रोज़े मुस्तफा पर झुका कभी ना कभी रोज़े मुस्तफा पर झुकाऊंगा मैं। ये जबीने अकीदा कभी ना कभी आप पढ़ ले मेरे साथ में। ये जबीने अकीदा कभी हाजरी मदीने शरीफ में होगी। रोज़े मुस्तफा पर झुकाऊंगा मैं। ये जबीने अकीदा कभी ना कभी रोज़े मुस्तफा जगह है फरिश्तों का मेला लगा। जिस जगह है फरिश्तों का मेला लगा लेके जा कभी ना कभी। जिस जगह है फरिश्तों का मेला लगा ले कभी ना कभी रोज़े मुस्तफा। और ये शेर भी सुने के बारगाहे खुदा में बारगाहे घड़ी बस यही इल्तिजा कीजिए। रात भर मुस्तफा मुस्तफा कीजिए। रात भर मुस्तफा मुस्तफा कीजिए। रात भर मुस्तफा मुस्तफा कीजिए। रात भर मुस्तफा। हजरत पेरे तरीकत रहबर शरीयत सनसाए खिताबत सैयद शागिल इमाम कादरी मंदोजी लौलानी जो रोने के स्टेज हैं, मैं आले स्टेज की तवज्जो से एक शेर सुना रहा हूं। मिंबरे नूर पे असहाबे कलम बैठे हैं। शेर अच्छा लगे तो इसका इस्तेमाल कीजिए। मिंबरे नूर पे असहाबे कलम बैठे हैं, कौम की आबरू मिल्लत के भरम बैठे हैं। क्योंकि पीर साहब हैं, देखिए इनके चेहरों को देख करके फैजाब हो। मिंबरे नूर पे असहाबे कलम बैठे हैं, कौम की आबरू मिल्लत के भरम बैठे हैं। और देखने वालों देखने वालों मोहब्बत की निगाह से देख लो इन्हें। ये सब गुलामाने शहंशाह उमम बैठे हैं। ये सब गुलामाने शहंशाह उमम बैठे। मेरा भी एक शेर समाप्त करेंगे कि नूर बन पर जगमगाओ तब कहो अपनी तरह
कल में कंकर तो पड़ाओ तब कहो अपने तरह सैयदुल अब्रार तो कर दे टुकड़ी कमर तुम भी कुछ करके दिखाओ तब कहो अपने तरह। एक दीवाना आप लोग पर भारी हो जा रहा है। आप लोग कोडाडी में रहते वही लोग हैं ना जो कोडाडी में रहते हैं, आप लोग वही हैं जो कोडाडी में रहते हैं। असल में रात बहुत हो चुकी है, ये लोग थक चुके हैं, ऐसा नहीं है ना? मैं एक मतलब पढ़ता हूँ और पहले कोडाडी वाले कितने हैं बताइए जरा सा। ठीक ही कहा था कि आप कोडाडी गए हैं, आप भी कोडाडी में। चतुर्वेदी जी लफ्ज भी निकालते तो उधर ही थे, वैद पुराण से है कि नहीं? सुने मैं पढ़ता हूँ कि हक नाते पयंबर का अदा कौन करेगा। आपको लगता है कि कोडाडी के ये लोग नहीं लगते? अब लगना चाहिए मुझे कि ये जलसा कोडाडी का है कि नहीं? हक नाते पयंबर का अदा